जौनपुर के पूर्व सांसद एवं बाहुबली नेता धनंजय सिंह का बैनर हुआ वायरल। जौनपुर की राजनीति में हड़कंप। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड कप में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर जौनपुर की जहां बात की जाती है, वहां पर वहां की एक नेता एवं बाहुबली नेता आप कह सकते हैं पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम अवश्य लिया जा सकता है। हालांकि वो वर्तमान में जेल में है। जौनपुर के MPMLA कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुना दी थी, जिसके बाद वह जौनपुर के कारागार में बंद हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि प्रेजेंट टाइम में उनका एक बैनर जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा गया है हिम्मत ना हारिए आएगा वो। ये बैनर इस समय तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर हो, तथा तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा गया है हिम्मत ना हारिए आएगा वो। यानी कि कहीं ना कहीं उनके माध्यम से अपने समर्थकों को एक बार फिर से एक तरफ जोड़ने की कोशिश है, अपने समर्थकों में उत्साह प्रोत्साहन जो होता है वो भरने की कोशिश है। अभी तक उनके समर्थक यही जानते हैं कि धनंजय सिंह जेल में है, लेकिन धनंजय सिंह के दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ जरूर चल रहा होगा, तभी ये पोस्टर उन्होंने छपवा के वायरल करवाया। आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि धनंजय सिंह ने जौनपुर की MPMLA कोर्ट के खिलाफ वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है, लेकिन अभी तक वहाँ पे उनके केस की सुनवाई नहीं हो पाई। हालांकि उन्हें 2 तारीख दी गई थी, 21 मार्च और 1 अप्रैल, लेकिन वहाँ पे अधिक केस होने की वजह से उनका केस जो है वो टेकअप नहीं हो सका। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि जो पोस्टर वायरल हो रहा है धनंजय सिंह, मतलब पोस्टर के मामले में काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुए थे। धनंजय सिंह ने एक ट्वीट किया था कि जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम, एक पोस्टर था उसमें धनंजय सिंह की फ़ोटो थी, तथा जो है वो उस पर लिखा गया था जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम। उन्होंने जिस दिन जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे उसको ट्वीट किया था, उसी दिन देर रात जो है जौनपुर की MPMLA कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी करार दिया जाता है, तथा अगले दिन यानी कि 7 मार्च को उन्हें 7 साल की सजा सुना दी जाती है। तो पोस्टर के मामले में धनंजय सिंह काफ़ी ज़्यादा हमेशा हाईलाइटेड रहते हैं, और एक बार फिर वो जो है हाइलाइटेड बन गए हैं कि हिम्मत ना हारिए आएगा वो। इस पे आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सही और सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।